गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बोलो बेटा जल्दी से, जिनके माइक्स ऑन है गुड मॉर्निंग तो करो मैडम को। ग्रेटिंग्स, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सबकी। ओके, आज हम करने वाले कोल एंड पेट्रोलियम। आपने देखा है कोल, या आप गए हो पेट्रोल पंप? किस किसने कोल देखा है? कहाँ देखा है कोल आपने? कहाँ यूज करते हैं आप कोल, बताओ? कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज द यूज ऑफ कोल? कहाँ पर आपने देखा है कोल को यूज होते हुए, या आपने किया हो कभी कोल यूज? हाँ जी, किसी ने बोला क्या? फिर आकाश फ्रॉम 8B, इज 8B हियर? आकाश, हाँ जी बेटा, कहाँ यूज करते हो कोल? नहीं किया कभी कोल यूज? देखा है कहीं पर किसी को कोल यूज करते हुए? यस या नो तो बोल दो, फिर मैं बताती हूँ ना। नो, प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। वो तो ठीक है, ये तो बुक वाली बात होगी ना। आपने कहाँ देखा है एनर्जी प्रोड्यूस करते हुए कोल से, या लाइट प्रोड्यूस करते हुए कोल से? कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? फैक्ट्रीज इन फैक्ट्रीज गए थे आप, फैक्ट्री जहाँ कोल यूज हो रहा हो? अच्छा, कभी कभी आपने तंदूरी रोटी खाई है, या तंदूरी परांठा खाया है? बोलो, यस तंदूर देखा है कैसा होता है? तंदूर यस क्या होता है, कैसे हीट प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है क्या? जो होटल्स में या ढाबों में बाहर होता है, उसमें क्या डालते हैं? बोल कभी आपके एरिया में वो प्रेस करने वाले धोबी होते हैं, जो कपड़े प्रेस करते हैं एक बड़ी सी लोहे की प्रेस में, वो क्या यूज करते हैं उसमें? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है क्या वो? बोल तो मैं ऐसे एग्जाम्पल आपको पूछ रही हूं जहां पर आपने देखा हो कोल को यूज होते हुए, ठीक है? तो आप भी, हम लोग जब छोटे थे तो हम अंगीठी जलाते थे, गांव में जाते थे तो अंगीठी जलाते थे, ठीक है? वो भी कोल है जो वो लोग यूज करते हैं प्रेस करने के लिए। क्या हीट भी दे रहा है वो, उसी से वो प्रेस गर्म हो रही है, ठीक है? और तंदूर में, जो तंदूरी पराठा आप या तंदूरी रोटी आप खाते हो, उसमें भी वो कोयला जलाते हैं, जिससे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है? तो हमारा चैप्टर है कोल और पेट्रोलियम। कोल की बात तो हमने की, पेट्रोलियम कहाँ यूज करते हैं? आपने देखा होगा कार में, पेट्रोल पंप पे आप जाके डीजल या पेट्रोल यूज करते हो। वो डीजल या पेट्रोल क्या करता है, इंजन में जाके उसको, हम जब कार स्टार्ट करते हैं ना, वो इग्नाइट होता है, उसकी कंबशन होती है, उससे बहुत सारी हीट रिलीज होती है, जिससे इंजन चलता है, जिससे गाड़ी चलती है, ठीक है? तो ये सारे हमारी फ्यूल्स हैं, जो खाना बनाने के लिए भी हम यूज कर रहे हैं, प्रेस करने के लिए यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में और बहुत सारी चीजें करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है? और पेट्रोलियम गाड़ियां चलाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये सारे कोल एंड पेट्रोलियम के यूजेस हैं। अब ये बनाए कैसे, ये बने कैसे, ठीक है? आपको पता है कोल कैसे बना था? स्टोरी पता है क्या? कोल कहाँ से मिलता है? हु नोज कोल कहाँ से मिलता है? रेज योर हैंड, एनी ऑफ यू? नहीं पता? हाँ, यस, एट थे में, दिस बॉय इन येलो टी शर्ट, यस प्लीज टेल मी। When the dead remains of plants and animals get buried deep inside the soil, they get converted into यस, वेरी गुड। सो मिलियंस ऑफ इयर्स पहले, ये कहते हैं कि अर्थक्वेक से, वोल्केनो से, ये जो प्लांट्स और एनिमल्स
जो उसके अंदर मिट्टी के अंदर पूरे धस गए थे, तो अंडर प्रेशर मिलियंस ऑफ इयर्स में ये सारी चीजें सड़ गल के बनाती हैं कोल, ठीक है, या पेट्रोलियम। आपने देखा होगा जैसे कोल की माइनिंग की जाती है, माइनिंग होता है खोद के निकालना, ठीक है, तो कोल और पेट्रोलियम की माइनिंग की जाती है। खोद के क्यों निकालना है, क्योंकि ये सारे दबे हुए चीजों से जो बारड थे मिलियंस ऑफ इयर्स के लिए, वो सारे उनको खोद के निकालना पड़ता है और फिर उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज कोल एंड पेट्रोलियम की स्टोरी और उनके यूजेस। अब मुझे ये बताओ कि ये जो कोल एंड पेट्रोलियम है, क्या ये सोर्सेस एग्जॉस्टेबल हैं या इनएग्जॉस्टेबल हैं, ये खत्म हो जाएंगे या फिर हमेशा ऐसे ही रहेंगे, हमेशा बनते रहेंगे या मिलता रहेगा हमें कोल पेट्रोलियम? एग्जॉस्टेबल 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 रिसोर्सेज, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है, क्योंकि ठीक है जितना वहां पर बरी हुआ था वो तो हम निकाल रहे हैं, लेकिन अब ऐसा थोड़ा ना कि हम खुद भी बरी करी जा रहे हैं कि हाँ जी और पेड़ बरी कर देते हैं ताकि और कोल बनता रहे, ऐसा तो नहीं कर रहे। ये तो नेचुरल प्रोसेसेस से, नेचुरल डिजास्टर में इनफैक्ट तब जाके बरी हुआ था, तब हमें मिलता था, लेकिन ये खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपने आजकल देखा होगा कार्स पे ग्रीन कलर की प्लेट होती है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये सोर्सेस खत्म होने वाली है। कोल और पेट्रोलियम जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, तो हमें और सोर्सेज ऑफ एनर्जीज का सोचना पड़ता है कि कैसे हम और चीजों को यूज कर सकते हैं, जिसमें एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो हो गया, इलेक्ट्रिसिटी तो यूज कर ही सकते हैं हम, हाइड्रोजन को भी। हाइड्रोजन एक बहुत अच्छी फ्यूल है, सुना है हाइड्रोजन गैस, यस वो भी एक बहुत अच्छी फ्यूल है और इसका हमारे को एक अच्छा ऑल्टरनेटिव भी है। बस उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोजन गैस को हम कंप्रेस नहीं कर पाते ज्यादा, तो वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमें नहीं मिल पाती, अदरवाइज वो भी एक अच्छी फ्यूल है, जैसे कि हमारे कोल और पेट्रोलियम एक अच्छी फ्यूल है। ओके, तो इसमें आज वाले टॉपिक में जो मेनली हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्टिलेशन के बारे में, सिंपल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तीनों टर्म सुनी है आपने? यस 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 yes. अच्छा तो बताओ ये जो ऑपरेटस बना है सामने आपके बोर्ड पे, कौन सी प्रोसेस को ये दिखा रहा है? लुक एट दिस, विच प्रोसेस इज इट शोइंग? मैम, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, नहीं, दिस इज सिंपल। सिंपल डिस्टिलेशन। देखो पहली बात, डिस्टिलेशन किसको बोलते हैं? डिस्टिलेशन में हम या तो एक लिक्विड को एक सॉलिड से सेपरेट करते हैं या फिर हम दो लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं, पर हमें सेपरेटेड चाहिए वो एक अलग से, एक बीकर में एक दूसरे बीकर में। मतलब अब देखो मान लो आपके पास पानी में कुछ इम्प्योरिटी है, तो हम बोलते हैं कि हाँ चलो उबाल लो पानी को, वो प्योरीफाई हो जाएगा। अब पानी को उबालना है जस्ट बॉइलिंग, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज हैं अगर वो वेपर्स बना के उड़ सकती हैं तो उड़ जाएंगी और पानी पानी रह जाएगा, तो वो प्योरीफाई हो गया, लेकिन मैंने उस इम्प्योरिटी को सेपरेट करके अपने पास तो नहीं रखा, मैंने उसको उड़ने दिया। मुझे सिर्फ प्योर पानी चाहिए, जो भी उसका दूसरा कॉम्पोनेंट है इम्प्योरिटी है वो नहीं चाहिए। ऐसी चीज को हम सिंपल बॉइलिंग बोलते हैं कि हाँ बॉइल कर दो, उड़ने वाली चीज उड़ जाएगी, जो नहीं चाहिए, जो चाहिए वो रह जाएगी, ठीक है। लेकिन डिस्टिलेशन में क्या फर्क है, इसमें भी हम चीजों को बॉइल करेंगे, लेकिन इसमें जैसे अगर दो लिक्विड्स हैं, सॉरी अगर दो लिक्विड्स हैं तो मुझे दोनों के दोनों चाहिए, मैंने एक को उड़ने नहीं देना, पर उन दोनों लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है दैट शुड बी एटलीस्ट डिफरेंट डिफर बाय 20 केल्विन और 20 डिग्रीज, ठीक है। इतना 20 to 30 केल्विन या 20 to 30 डिग्रीज का अगर डिफरेंस हो दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में, तब मुझे डिस्टिलेशन करनी है। आई रिपीट कि अगर मुझे दो लिक्विड्स में से एक ही चाहिए तो मैं उसको सिंपल बॉईल कर दूंगी, कम बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड उड़ जाएगा और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड बच जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे दोनों के दोनों लिक्विड्स चाहिए, मुझे उनको सेपरेट करना है,
अलग-अलग से दो बीकर्स में ऑब्टेन करना है, तब मुझे डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी। मेरे पास दो लिक्विड्स जो हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफर करना चाहिए कम से कम 20 to 30 केल्विन। यहाँ पर एक थर्मोमीटर लगा होता है जो मुझे टेम्परेचर बता देता है। सपोज मेरे पास दो लिक्विड्स हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट है 100 और एक का बॉइलिंग पॉइंट है 120। अब आप बताओ अगर मैं उसकी डिस्टिलेशन करूंगी तो पहले कौन सा लिक्विड इवेपोरेट करेगा, या पहले कौन सा लिक्विड बॉइल करेगा, आई शुड नॉट से इवेपोरेट, बॉइल करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस वाला या 120 वाला? मैम 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस, हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वाला। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस वाला बॉइल कर रहा है? सेल्सियस मैम, क्योंकि जो आपने ऊपर थर्मामीटर लगाया उसमें वो मेजर आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। इस थर्मामीटर में जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस आएगा मुझे पता चल जाएगा कि ये लिक्विड अब वेपर्स बना रहा है। तो उन वेपर्स को मैंने उड़ने नहीं देना है, मुझे उनको कलेक्ट करना है। मुझे दोनों लिक्विड चाहिए, 100 वाला भी और 120 वाला भी। तो जब ये वेपर बनाएगा यहाँ से जाएंगे वेपर्स। यहाँ पर क्या है, ये ब्लू कलर देख रहे हो ना, ये ब्लू कलर ठंडा पानी है, ठीक है। अंदर से ये पाइप में यहाँ पर जाएगा लिक्विड और यहाँ पर बाहर जो है, इधर से देखो एरो नीचे को बनी है, यहाँ से मैं ठंडा पानी पाइप के बाहर है ये, ठीक है। दो पाइप्स होती है, अंदर वाली पाइप अलग है, बाहर सिर्फ पानी के लिए जगह है। तो यहाँ से मैं ठंडा पानी डालती हूँ और वो यहाँ से, क्योंकि ठंडा पानी क्या करेगा, यहाँ से जो वेपर जा रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस वाले लिक्विड के, उनको वो ठंडा कर देगा। वेपर्स जब ठंडा हो जाते हैं तो वो लिक्विड बना देगा, ठीक है। कंडेंसेशन हो जाएगी, वेपर से लिक्विड बन जाएगा। तो जब ये लिक्विड यहाँ से ड्रिप करेगा इसमें हम उसको इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो ये पानी यहाँ से इसको जब अपना पूरा वेपर्स को ठंडा कर देगा, यहाँ से हम निकालते रहेंगे ताकि रेगुलरली ठंडा पानी सप्लाई होता रहे, वेपर्स ठंडे होके लिक्विड बना के हम इकट्ठे करते रहे। तो ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस के लिए, वो वेपर्स बन के इकट्ठे हो गए, इस बीकर को मैंने सेपरेट कर दिया। फिर आई दूसरे लिक्विड की बारी, उसका टेम्परेचर क्या था, क्या 120 डिग्री सेल्सियस। 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब वो भी मुझे कैसे पता चलेगा, जब थर्मोमीटर पे 120 आ जाएगा। जब 120 आया मतलब उसके वेपर्स बनने शुरू हुए, यहां से पास होंगे, ठंडा पानी उन वेपर्स को लिक्विफाई करेगा और वो धीरे धीरे ड्रॉप वाइज हम इसमें इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों लिक्विड्स अलग अलग बीकर में मैंने सेपरेट कर लिए। कैसे, उनके जब वेपर्स बन रहे थे उनको ठंडा करके मैंने कलेक्ट कर लिया दोनों को अलग अलग। लेकिन ये तभी हो सकता है जब दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम 20 डिग्रीज का फर्क हो, ठीक है। लेकिन अगर दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम फर्क हो तब हम कौन सी प्रोसेस फॉलो करते हैं? नाम पता है प्रोसेस का? अगर दो लिक्विड्स जो हमारे पास हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में मान लो 5 डिग्रीज का ही फर्क है, तब कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी होगी? नहीं पता? ओके, तब हम फॉलो करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए आपके पास होता है ऐसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। अब जैसे आपने पढ़ा पेट्रोलियम, कोल, पेट्रोलियम ऐसे होता है, कैरोसिन, डीजल, ठीक है। ये सारे क्या हैं? ये पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस हैं सारे, ठीक है। मतलब ये एक ही चीज से निकलने वाले, मतलब एक लिक्विड है जिसमें थोड़ा 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 बॉइलिंग पॉइंट का फर्क है सब में, और मतलब वो इकट्ठा ही सब मिला हुआ है। लेकिन अगर बहुत कम फर्क हो दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में तो हम सिंपल डिस्टिलेशन से उसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो हमें ऐसा कॉलम लगाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं
फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, अब इस कॉलम का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत जरूरी पर्पस है इसका। क्या पर्पस है कि मान लो एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है 100, ठीक है, और दूसरा का है 102, तो बहुत कम फर्क है। तो जब आप उस लिक्विड को बॉईल करोगे तो 100 वाला बॉईल होना शुरू हो जाएगा, वेपर्स बनाना शुरू हो जाएगा, लेकिन जल्दी से 102 वाला भी बनाना शुरू कर देगा, तो वो तो मिक्स हो गए। 100 वाला भी वेपर बना रहा है, 102 वाला भी वेपर बना रहा है, फिर सेपरेट कैसे होंगे? मुझे तो अलग अलग चाहिए थे सारे लिक्विड्स। तो क्या होगा, जैसे मान लो यहां पर ना ये यहां पर से पास कर सकते हैं वेपर्स, लेकिन टकरा टकरा के पास करेंगे। ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ही है, कि जो वेपर्स है वो सीधे ऐसे नीचे से ऊपर पूरी ट्यूब में पास ना कर जाए, सिर्फ वही वेपर्स बाहर निकल पाए जिनका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो चुका है, जिनके पास इतनी एनर्जी है कि वो इनसे टकरा के ऊपर जा सकते। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस थर्मोमीटर पे टेम्परेचर है, इसका मतलब जो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है उसके पास इनफ एनर्जी है यहां से इनसे टकरा टकरा के टकरा टकरा के ऊपर निकल जाने। लेकिन अगर साथ वाला लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री सेल्सियस है वो भी साथ में जाने की अगर कोशिश करता है तो क्या होगा? वो यहां से निकलेगा, टकराएगा, चलो थोड़ा सा निकला, यहां से टकरा के फिर वो वापस नीचे गिर जाएगा। तो मतलब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का ये इंपॉर्टेंस है कि वो उस लिक्विड को नीचे गिरा देगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट अभी थर्मोमीटर पे नहीं दिख रहा। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट अभी रीच नहीं हुआ है, उतनी हीट नहीं दी गई है, उसको वो वापस टकरा के नीचे भेज देगा। क्यों गिरता है वो नीचे? क्योंकि उसके वेपर्स में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो पूरे उसको ऊपर तक जा सके इनसे टकरा टकरा के। तो ये उसी को अलाउ करता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट थर्मोमीटर में रीच हो चुका है। इससे क्या होगा, जो कम डिफरेंस वाले लिक्विड्स हैं वो अलग अलग टाइम पे वेपर बनाए। ठीक है, तो अगर आपके पास लिक्विड्स में बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है तो आप सिंपल डिस्टिलेशन फॉलो करते हो, लेकिन अगर लिक्विड्स में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हो। अपरेटस ऐसा ही रहता है, बस एक एडिशनल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ लग जाती है। ठीक है, चलो थोड़ा सा लिख लो बेटा, पहले लिखो सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन में फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज यूज्ड टू सेपरेट टू लिक्विड्स, टू लिक्विड्स विच हैव एटलीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, फिर प्रोसेस में लिखो कि इन दिस प्रोसेस लिक्विड इज हीटेड, लिक्विड इज हीटेड एंड कन्वर्टेड इनटू वेपर कॉमा देन दीज वेपर्स आर कंडेंस्ड
दीज वेपर्स आर कंडेंस्ड एंड ऑब्टेन्ड इन अ बीकर एंड ऑब्टेन्ड इन अ बीकर। ओके इसमें जो प्योर लिक्विड आपको मिल जाता है वेपर्स बना के, दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेट। सो लिखो, द प्योर लिक्विड ऑब्टेन्ड, द प्योर लिक्विड ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द डिस्टिलेट। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो। द लिक्विड लिक्विड विथ लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट इवैपोरेट्स फर्स्ट एंड देन द लिक्विड विद हाई बॉइलिंग पॉइंट। ओके, और एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, किन लिक्विड्स को आप सेपरेट कर सकते हो। जैसे दो लिक्विड्स होते हैं, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन। क्लोरोफॉर्म सुना है, जिसको वो एनेस्थेटिक होता है, सुंघाते तो बेहोश हो जाते हैं, है ना, वो वाला। तो एग्जाम्पल लिख लो, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। इन दोनों को अगर सेपरेट करना हो आपने, एनिलीन इज ANILINE, एनिलीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये दोनों, इनको सेपरेट करना हो तो डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसमें लिखो, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स विच हैव वेरी लेस डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट लिख लो, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज यूज्ड टू सेपरेट द लिक्विड्स एज इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया। बस फुल स्टॉप। अब देखो, आपने ये डायग्राम देखा होगा, तो आपने कभी सोचा ये क्या बनाया है, ये गोल गोल सा? यहाँ पर ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ही होता है। जैसे ये अलग अलग लिक्विड्स को सेपरेट करें, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया,
फ्यूल ऑयल हो गया, ठीक है। तो जो भी हमें माइनिंग से क्रूड ऑयल यहाँ से मिल रहा है, क्रूड ऑयल की कितनी सारी फ्रैक्शंस हम ऑब्टेन कर पाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अब ये वही है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो मैंने आपको दिखाई थी, इसके अलग-अलग फॉर्म्स होते हैं। काम इसका क्या है, सरफेस एरिया बढ़ाना। तो यहाँ पर भी जैसे इसने सरफेस एरिया यहाँ से जाएगा तो यहाँ से टकरा के फिर इधर लिक्विड जाएगा, फिर यहाँ से टकरा के फिर ऊपर जाएगा, किस वजह से वो ही लिक्विड ऊपर तक जा पाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो चुका है, ठीक है। तो ये था आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें ये जितने भी चीजें हैं वो अलग अलग पर्पस के लिए यूज आप कर सकते हो। जैसे जो आपके पास डोमेस्टिक गैस होती है आप उसको घर में सिलेंडर में यूज करते हो, पेट्रोल को आप व्हीकल्स में यूज करते हो, फिर केरोसिन आपकी जेट फ्यूल में यूज हो जाती है, डीजल भी आपका ट्रैक्टर्स वगैरह में और बाकी व्हीकल्स में यूज हो जाता है, ठीक है। फ्यूल ऑयल शिप्स में यूज हो जाता है। तो अलग-अलग फ्रैक्शंस के अलग-अलग यूजेस हैं, इनको ऑब्टेन करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमको फॉलो करनी होती है। एक्सक्यूज ओके। इसके बाद हम करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। आपने कोल के बारे में पढ़ा है, अब है कि कोल आपको कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस है जिससे आपको लैब में आप कैसे इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर सकते हो। तो आप देख रहे हो उसकी ऑपरेटस यहाँ पर एक बर्नर है, बर्नर पे इसने एक ट्यूब बॉइलिंग ट्यूब लगाई है, इसमें से एक पाइप जा रही है इधर और एक पाइप से यहां से गैस निकल रही है। अब सबसे पहले आप लोगे इसमें बॉइलिंग ट्यूब में आपके पास पाउडर्ड कोल है, ठीक है। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करनी है, मतलब बर्न करना है इसको, हीट करना है इस बॉइलिंग ट्यूब में। यहां से अमोनिया निकलती है, यहाँ पर वाटर है जिसमें ये अमोनिया डिसॉल्व हो जाती है। नीचे आपको एक रेजिड्यू सा मिलेगा जिसको आप कोल टार बोलते हो, और इसमें होता है बेंजीन, टोलुइन, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बन के कंपाउंड्स हैं। कोल भी कार्बन का कंपाउंड है, कोक भी कार्बन का कंपाउंड है। ये तो यहाँ पर अमोनिया गैस इसमें वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, कोल टार नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और जो गैस यहाँ से इवॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड कोल गैस, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसकी इसको हीट करके इसमें से जो रेजिड्यू निकला वो कोल टार बन गया, इसमें से जो गैस निकली वो कोल गैस बन गई, और आपके पास यहाँ पर पाउडर कोक रह जाएगा, ठीक है। तो आप लिखो, सबसे पहले आपको कोल के बारे में पता होना चाहिए कि अब जैसे यहाँ पर अमोनिया, तो अमोनिया आया कहाँ से, अमोनिया होता क्या है, अमोनिया होता है NH3, उसका फॉर्मूला है NH3, N है नाइट्रोजन, मतलब वो कहाँ से आया, तो वो होगा ना ऑलरेडी कोल में तभी आया। तो लिखो, कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन कॉमा हाइड्रोजन कॉमा ऑक्सीजन कॉमा नाइट्रोजन कॉमा फॉस्फोरस। आई होप आपको इनके सिंबल्स आते हो, नहीं आते हैं तो कार्बन है सी, तो कोल है सी कॉमा हाइड्रोजन इज एच कैपिटल एच, ऑक्सीजन इज कैपिटल ओ, नाइट्रोजन इज कैपिटल एन एंड फॉस्फोरस इज कैपिटल पी। तो कोल में ये सब कुछ है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। मिलता कहाँ है कोल, कोल माइंस में। लिखो, इट इज फाउंड इन इट इज फाउंड इन कोल माइंस डीप अंडर अर्थ सरफेस, डीप अंडर अर्थ सरफेस।
अब साथ में वही चीज आप लिख सकते हो कि मिलियंस ऑफ इयर्स में सक्सेसिव लेयर्स जिसकी बनी है, सेडिमेंट्स हैं जो कि हीट के अंडर ट्रांसफॉर्म होके कोल बनाते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ इयर्स लगे हैं इनको बनने में। अब नेक्स्ट लिखो, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोल, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोल। एनीबडी बता सकता है मुझे क्या क्या वेराइटीज होते हैं कोल की? हाँ जी प्लीज, 8E में अ बॉय इज रेजिंग हिज हैंड, प्लीज कम फॉरवर्ड। लिग्नाइट, लिग्नाइट, यस, देन और मैम एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट और ब्यूमिनस, मैम बिटुमिनस, वेरी गुड, और पीट, PEAT, पीट, ठीक है, तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट, ये है आपके डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोल। इसमें बेस्ट वेराइटी कौन सी होती है? एंथ्रासाइट मैम एंथ्रासाइट। विद 96% ऑफ कार्बन, एंथ्रासाइट इज द बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल, बिटुमिनस हैज 65% ऑफ कार्बन, ठीक है, ओके। देन कम्स डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, नेक्स्ट हेडिंग, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो क्या है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? ये प्रोसेस जिसमें हम कोल को बहुत हाई टेम्परेचर पे, अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको हीट करते हैं ताकि हमको कुछ यूजफुल चीजें मिले। क्या क्या यूजफुल चीजें मिले? कोक मिलेगा, कोल टार मिलेगा, कोल गैस मिलेगी जिसको हम फ्यूल्स के फॉर्म में यूज कर लेंगे, ठीक है। सो राइट डाउन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में इट इज प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल, इट इज प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल एट वेरी हाई टेम्परेचर एट वेरी हाई टेम्परेचर टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स, टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक कोक, कोल गैस एंड कोल टार। ओके, एनीबडी ऑफ यू कैन टेल मी अबाउट द यूजेस ऑफ कोक, कहाँ पर हम कोक को यूज करते हैं? आप मुझे बताएं। उस ईशांत फ्रॉम 8C, ईशांत आप मुझे बता सकते हैं यूजेस ऑफ कोक? बोलो, आई कांट हियर यू इफ यू आर स्पीकिंग। ईशांत आप बोल रहे हो कुछ? एनीवेज, हुज अजय फ्रॉम 8D, अजय 8D, इज 8D देयर? ओके, 8G में आई कैन सी अ बॉय फर्स्ट बेंच, येलो टी शर्ट, यस प्लीज। मैम इट कैन यूज एज अ फ्यूल एंड टू रिड्यूस ऑक्साइड
ऑक्साइड्स लाइक जिंक ऑक्साइड। वेरी गुड। वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है, जिसमें जैसे हम ओर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल ऑब्टेन करना होता है, तो ओर्स जो है वो ज्यादातर ऑक्साइड्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो उस ऑक्सीजन को हटाने के लिए कार्बन का यूज होता है, जो कोक के फॉर्म में हम यूज करते हैं, ठीक है। यू कैन राइट डाउन कोक, इट हैज 98% कार्बन। कोक हैज 98% कार्बन। इट इज प्योरेस्ट काइंड ऑफ कोल, प्योरेस्ट काइंड ऑफ कोल। इट इज पोरस, रफ एंड ब्लैक, पोरस रफ एंड ब्लैक। इट इज गुड फ्यूल, इट इज गुड फ्यूल दैट बर्न्स क्लीनली, मतलब सूट नहीं क्रिएट करती है, काला नहीं करती है। इट इज गुड फ्यूल दैट बर्न्स क्लीनली। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। तो ये कहाँ मिला आपको, ये पाउडर्ड कोल जो है, यहाँ पर जब आप इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर दोगे, यहाँ कोक मिलेगा, ठीक है। आई आस्क यू, अब ये लिखवाने के बाद मैं आप लोगों से पूछूंगी क्या चीज कहाँ मिली, क्या किया हमने इन तीनों प्रोसेसेस में, सिंपल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अभी पहले लिख लो, फिर ध्यान रखो, साथ साथ में देख लो, मुझसे पूछ लो अभी भी, फिर मैं आपसे पूछूंगी। लिक्विड कोल टार, नेक्स्ट हेडिंग दो, लिक्विड कोल टार, ये जो आपको नीचे मिल रहा है यहाँ पर, ये कोल टार टेस्ट ट्यूब के बॉटम में देखो, इट इज विस्कस ब्लैक लिक्विड, विस्कस ब्लैक लिक्विड विद अ फाउल ओडर, गंदी सी स्मेल होती है इसमें, ठीक है, विद अ फाउल ऑडर। देन मेनी केमिकल मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, मेनी केमिकल मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दो, कोल गैस, जो यहां पर आपके पास मिल रही है। फर्स्ट प्रोडक्ट कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, यहां लिखा हुआ है, ये कोल गैस से आपको ये सब मिलेगा। कोल गैस में लिखो, इट इज मिक्सचर ऑफ दीज थ्री गैसेस, यू कैन राइट, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, मेनली इनका मिक्सचर है, और भी होते हैं पर मेनली इनका मिक्सचर है, ठीक है। और क्योंकि ये जितनी भी गैसेस हैं वो इनफ्लेमेबल है, मतलब उनमें आग जल्दी लग जाती है, इसीलिए बहुत अच्छे फ्यूल्स हैं। देखो, दीज गैसेस मेक ग्रेट फ्यूल,
These gases make great fuel. ठीक है, और ये जो आपके पास यहाँ पर दिया है कि वाटर में अमोनिया डिसॉल्व हुआ है, जो अमोनियाकल लीकर है, इस अमोनियाकल लीकर से फर्टिलाइजर्स बन जाते हैं। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिख सकते हो, अमोनियाकल लीकर करके नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, और लिखो दे आर यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स, दे आर यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स। ओके, लिख लिया सबने? अब मैं आपसे पूछती हूँ कुछ चीजें, आप मुझे बताओ। ठीक गुरजोत फ्रॉम 8E। अच्छा, पहले आपको मुझसे कुछ पूछना है पहले इन तीन प्रोसेसेस में, तो आप पूछ लो फिर मैं पूछती हूँ। रेज योर हैंड्स यू वांट टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी इन तीन प्रोसेसेस के बारे में या कुछ और के बारे में। अगर आप नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगी इंडिविजुअली। ओके, सिंस नोबडी इज रेजिंग हैंड, आई कैन नॉट सी एनीबडी रेजिंग हैंड, सो आई हैव रेज्ड माय हैंड, आई लास्ट। ओके, गुरजोत, गुरजोत बोला था मैंने 8E से, यस बेटा, कैन यू टेल मी व्हाट इज डिस्टिलेशन? आई कांट हियर यू। आई कैन नॉट हियर एनी बडी हियर सिवाय एक सेक्शन के। ओके, आई डोंट नो वेदर ही इज आंसरिंग और नॉट। 8C, आप बोल सकते हो, एक बार बोल के बताएंगे, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है क्या? 8C से हेलो। हेलो, हाँ यस, अब जिसने मुझे हेलो बोला है वही मुझे बताया व्हाट इज सिंपल डिस्टिलेशन। इट इज यूज्ड टू सेपरेट टू लिक्विड्स. टू लिक्विड्स, एनिटी लिक्विड, टू लिक्विड्स, या मैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी टू लिक्विड सेपरेट कर सकती हूँ। विच हैव एटलीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस. वेरी गुड, कि जिनके टेम्परेचर में एटलीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे सिमरन फ्रॉम 8G, प्लीज चेक योर माइक और मुझे हेलो बोलो। सिमरन बोलेगी तो अच्छा है। हेलो, हेलो बेटा। अच्छा, अब आप मुझे बता सकते हो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसको बोलते हैं? इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ कोल. हीटिंग ऑफ, क्या मतलब हीट है, क्या मतलब व्हाट वाज माय क्वेश्चन, आई फॉरगॉट, क्या पूछा था मैंने आपसे? डिस्ट्रक्टिव मैम, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, हाँ जी, हीटिंग ऑफ, बोलो, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ हीटिंग ऑफ कोल. कोल। और क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसमें, मेन प्रोडक्ट्स, मेन तीन चीजें क्या हैं उसमें? कोक, मैम कोक, वेरी गुड, और कोक ही पीनी है तुमने? तुम्हें पता वो पीने वाली कोक नहीं होती, वो तो पाउडर वाली कोक होती है, मैम पाउडरी सब्सटेंस, पाउडरी सब्सटेंस। और क्या मिलता है तो? और नहीं मिलता कुछ? मैंने गैस, कोल गैस. यस, और चार चीज,
हाँ जी, और एक और बताया था मैंने, चार हेडिंग लिखवाई मैंने अभी लास्ट, वो है ये अमोनिया के लिकर विच एक्ट्स एज फर्टिलाइजर, ठीक है वो प्लीज वन सेट गुड ओके। एट्थ एफ, मुझे एट्थ एफ में से अनमोल हेलो बोलेगा, हेलो बेटा अब बताओ इन तीनों प्रोसेस में से विच इज योर फेवरेट वन, जो तुम्हें अच्छी लगती है। एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्यों अच्छी लगती है वो? एम बिकॉज वी गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम इट। वेरी गुड। और वो कैसे होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? मैम फर्स्ट द कोल इज हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक कोक कोल गैस एंड कोल टार। ओके, इसलिए अच्छी लगती है। और सबसे गंदी कौन सी लगती है? सिंपल डिस्टिलेशन व्हाट अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? इट्स गुड। इट्स गुड, टेल मी समथिंग अबाउट इट। व्हेन इट इज यूज्ड, व्हाई इट इज यूज्ड? यूज्ड टू सेपरेट द लिक्विड्स देख के समझाया नहीं था क्या मैंने? देख के नो समझाया तो था मैंने, वही पढ़ रहा हूँ मैम जितना आपको समझ आया। टेल मी दैट, डिस्टिलेशन जितना आपको समझ आया टेल मी दैट, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? प्रोसेस मैं टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड यस, विच हैव वेरी लेस डिफरेंस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। वेरी गुड। और कौन सी फ्रैक्शंस को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं हम ये? कौन से लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं? एनी Which has less difference of the fraction को एग्जांपल आपके सामने है, बुक से क्यों? पेट्रोल कैरोसिन डीजल फ्यूल ऑयल। वेरी गुड, चलो ठीक है, गो एंड सेट ओके। अब ये विलिंगली जिसको आता होगा वो बताना, हु कैन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग? इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में क्या फर्क होता है, कौन बता सकता है मुझे? टाइम एक्सक्यूज मी मैम, मैम टाइम इज ओवर। इज ओवर, फिर जाऊं? पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो फिर जाऊंगी मैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग? इन इवेपोरेशंस द मॉलिक्यूल्स गेट देयर एनर्जी टू इवेपोरेट बाय द सनलाइट, वेयर एज इन बॉइलिंग वी प्रोवाइड एनर्जी बाय हीटिंग। वेरी गुड, एनी अदर डिफरेंस? ओके, एक डिफरेंस मैं बताती हूँ। इवेपोरेशन में द मॉलिक्यूल्स विच इवेपोरेट दे आर एक्चुअली फ्रॉम द सर्फेस, सर्फेस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सिर्फ वो निकलते हैं पहले, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग में कभी आप किसी ऐसे कंटेनर में या बीकर में कभी नोटिस करोगे, चीज को आप गर्म कर रहे हो तो आपको ना नीचे से ऐसे छोटे 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 बबल्स निकलते हुए दिखेंगे, बॉटम से ऊपर, ठीक है। तो ये फर्क होता है क्योंकि उसको हीट नीचे से मिल रही है, तो बॉइलिंग में मॉलिक्यूल हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। और इवेपोरेशन में आपको सनलाइट ऊपर से मिल रही है तो वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को लेके जाता है, ठीक है। ये फर्क है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में, ठीक है। देन आपको आई होप समझ आया होगा, कुछ आपको याद भी करने पड़ते हैं एग्जाम्पल्स, नहीं आया है तो आपको पूछना था, जो आपने नहीं पूछा तो मैंने पूछा, ठीक है। ओके देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू। मैम थैंक यू फॉर टीचिंग अस। थैंक यू बेटा। और